हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 से। अगर आप एसएससी एमटीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हमने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ले रखे हैं जो एसएससी एमटीएस द्वारा अभी तक पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसे दे रखा है पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कहना चाह रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 36 को लिखा जा रहा है 144 है, तो देखिए 36 को 144 कैसे लिखा जा सकता है। तो ये क्या किया गया है, इस 36 में आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। अगर आप इस 4 में यानी 44 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 चौका 16, 16 को 6 हो जाएगा, हासिल 1, 4 चौका 16 और हासिल कितना हो जाएगा, 17 है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 176 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 176 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार 35 का संबंध है 15 से है, उसी प्रकार 72 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो देखिए 35 को 15 कैसे लिखा गया है, तो इसमें क्या किया गया है, 35 है ना, तो 3 × 5 इसी संख्या को आपस में गुणा कर दिया गया है, 3 × 5 = 15 हो गया है, वही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो कितना, 72 है ना, तो 7 × 2 करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा, 14 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 14 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार ए ई का संबंध है आई एम से है, उसी प्रकार एच एल का संबंध है इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर ए ई को आई एम कैसे लिखा जा रहा है, तो देखिए ए को लिखा जा रहा है आई, तो ए देखिए अल्फाबेट नंबर पे कौन सा आता है, 1 पे आता है, आई किस पे आता है, 9 पे आता है। तो यहाँ देखिए 1 से हो रहा है 9, तो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर, 8 है, प्लस हो रहा है, तो इसमें भी देखिए एच को एच में भी 8 जोड़ेंगे, एच कौन से नंबर पे आता है, अल्फाबेट नंबर पे 8 पे आता है, अब इसमें भी 8 ऐड करेंगे, अगर 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 16 नंबर पे कौन आता है, पी आता है, तो पहले पी हो गया। अब आगे देखिए ई से हो रहा है एम, तो देखिए ई कितने नंबर पे अल्फाबेट में आता है, 5 पे, एम किस पे आता है, 13 पर। अब देखिए 5 से हो रहा 13 है, तो कितना ऐड किया जा रहा है, 8 ऐड किया जा रहा है, तो ये इसमें भी आगे भी यही होगा, एल किस पे आता है, 12 पे, 12 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए 20 नंबर पे कौन सा आता है अल्फाबेट में, टी आता है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, पी टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, पी टी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि P का अर्थ है माइनस है और Q का अर्थ है भाग है और R का अर्थ है प्लस है और S का अर्थ है गुणा है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। जो जो पहले परिवर्तन दे रखा है उस सिंबल को पहले यहाँ पर परिवर्तन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ क्यू का अर्थ क्या हो रहा है, भाग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। आगे दे रखा है R का अर्थ क्या है, R का अर्थ है प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए S का अर्थ क्या है, यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। इसके बाद इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, 525 भागा 25 प्लस 42 कितना होगा, 42 गुणे 4 होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 से अगर आप
525 को काटेंगे कितनी बार मिल जाएगा, 25 दूना 50, 25 एक नम 25 यानी 21 में मिल जाएगा। उसके बाद प्लस 42 गुणे 4। अब देखिए, अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 42 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, कितना होगा 168 होगा ये। और 168 में 21 को ऐड करेंगे, अगर आप 168 में 21 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 189 होगा, कितना होगा 189। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 189 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि ग्रेट को 62-149 के रूप में और फाइनल को 53-047 के रूप में लिखते हैं तो REGAL को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें सभी का कोड दे रखा है। यहाँ पर देखिए G का कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, R का कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, E का कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, A का कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और T का कितना दे रखा है, 9। यहीं पर देखिए इसमें F है, F का कोड कितना है, 5 दे रखा है, I का कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और यहाँ पर N का कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, A का कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, L का कितना दे रखा है, 7। तो इसी में से इस कोड को छाट कर लिखा जाता है। तो देखिए पहले क्या हम R का खोजेंगे, तो देखिए R का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए E का पता करेंगे, तो देखिए E का कोड यहाँ पर कितना है, तो E का कोड यहाँ पर 1 है, तो लिखेंगे 1। उसके बाद G का पता करेंगे, तो देखिए G का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। उसके बाद A का कोड पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर A का कोड क्या दे रखा है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 लिखेंगे। उसके बाद L का पता करेंगे, तो देखिए L यहाँ पर है ना, L का कोड कितना यहाँ पर दे रखा है, 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 21-647 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21,647 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस है और गुणा का अर्थ है भाग है और भाग का अर्थ है प्लस है और माइनस का अर्थ है गुणा है तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जो इसमें पहले परिवर्तन कर रहा है उस सिंबल को पहले परिवर्तन करते हैं उसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुणा दे रखा है, तो देखिए इसमें गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर माइनस है ना, तो देखिए यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या हो रहा है, गुणा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। उसके बाद क्या है, भाग। अब देखिए यहाँ पर भाग का अर्थ क्या हो रहा है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस है। अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए क्या होगा, देखिए यहाँ 46 भागा 2 गुणे 4 प्लस 8 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लीजिए, 2 से 46 को करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा गुणे 4 प्लस कितना होगा, 8 है। अब बताइए 23 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 3 12 12 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और हासिल क्या हो जाएगा, 9, यानी 92 होगा। 92 में क्या करना है, प्लस 8 करना है, किसमें, 92 में प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 होगा, कितना होगा, 100। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला की संख्या गलत है, यानी बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी श्रृंखला इसमें से गलत है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक लिखा गया है 8, 27, 65, 125, 216। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, तो देखिए पहले एक क्या है, एक का क्यूब है, किसका है, एक का क्यूब है। अब देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब लिखा गया है। अब 27 देखिए किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। उसके बाद देखिए 65 है ना, 65 है ना, किसी का स्क्वायर होता है ना किसी का क्यूब होता है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर है कितना, 125 पर 125 किसका क्यूब होता है, 5 का होता है। 216 किसका क्यूब होता है,
छः का क्यूब होता है। तो यानी सभी में क्या किया गया है, क्यूब क्यूब लिखा गया है, लेकिन जो 65 है ना, यहाँ पर किसी का ना क्यूब लिखा गया ना स्क्वायर, यही एक गलत श्रृंखला है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, आना चाहिए था 4 का क्यूब, क्या आना चाहिए था 4 का, 4 का कितना होता है 64 है, तो इस जगह पर कितना आना चाहिए था 64 है, लेकिन लिखा है 65 है, तो यही इस श्रृंखला में गलत है। और सब में क्या क्या हो रहा है, सब में क्यूब हो रहा है, इसी में एक अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 65 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें, यानी जिस प्रकार अपराध का संबंध आपराधिक से है उसी प्रकार यहाँ पर दो शब्द कौन से आएंगे। तो देखिए अपराध है, जो अपराध करता है वो क्या करता है, वो आपराधिक कहलाता है, क्या करता है, जो अपराध करता है वो आपराधिक कहलाता है। उसी प्रकार है ब्रह्मांड का संबंध किससे होता है, ब्रह्मांड विज्ञान से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम चुनें, यानी चुनना है, यानी 3 ऑप्शन में एक पैटर्न चल रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न चल रहा है, उसी को इसमें चुनना है। तो देखिए चलिए चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 78, 6, 72, 6, 39, 3, 52, 4। तो यहाँ पता करेंगे कैसे विषम चुनें, तो देखिए 78 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 छक है 78 यानी 13 होगा। उसी प्रकार 72 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 39 के 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। 52 को अगर आप 4 से भाग करेंगे तो कितना, 53 चौके 52 है। तो यानी देखिए पहली वाली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करने पर सभी में क्या हो रहा है, देखिए पहले ऑप्शन में 13 आ रहा है, सी वाले में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, डी वाले में भी 13 आ रहा है, और बी वाले में क्या आ रहा है, 12 है। इसी में एक अलग पैटर्न चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी बताना है यहाँ पर अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 119 से हो रहा है 109, तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है यहाँ पर 10 है। उसके बाद देखिए 109 से हो रहा है 89, तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस 20 हो रहा है। उसके बाद देखिए 89 से हो रहा है 59 है, तो माइनस कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। तो यानी क्या पैटर्न चला है, पहले माइनस 10, फिर माइनस 20, फिर माइनस 30, तो अगली संख्या में क्या होगी, माइनस 40 होगी। अगर आप 59 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 हो गया, उसके बाद 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 यानी 19। तो 59 में से अगर आप 40 घटा रहे हैं तो कितना होगा, 19, तो अगली संख्या क्या आएगी, 19। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 19 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, यह संगत का चयन करें, यानी 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में एक ही पैटर्न है और एक में अलग है, वो कौन सा ऑप्शन अलग है, चलिए समझते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है दिसपुर, ऑप्शन बी दे रखा है मुंबई, ऑप्शन सी दे रखा है झारखंड, ऑप्शन डी दे रखा है चेन्नई। तो देखिए दिसपुर असम की राजधानी होती है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होती है, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी होती है, यानी ए बी और डी में राजधानी दे रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसमें क्या दे रखा है, स्टेट यानी राज्य का नाम दे रखा है झारखंड, यही तो अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र के सभी ज्यामिति आकृति में मौजूद कौन सी संख्या समान है, इसमें
इस आकृति में देख के बताना है कौन सी संख्या समान है। तो देखिए इसमें उस संख्या को पता करना है जो सभी में कॉमन हो। तो देखिए इसमें सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, ये जो पाँच है ना, ये सभी में कॉमन है। क्या है, यही पाँच जो है सभी में कॉमन है, तो यही समान संख्या हुई ना। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।